ये कहानी है माधव नगर के राघव की। राघव ठंडियों में चादर बेचने का काम किया करता था। राघव की चादर ठंडियों में ही बिका करते और बाकी के महीने राघव को व्यापार में घाटा हुआ करता था। जब जब गर्मियों का मौसम आता है हमेशा मुझे ऐसी ही तकलीफें होती हैं। ना कोई चादर बिकती है ना कोई सामान। तो पिताजी आपको बेचने ही क्यों है? मेरे साथ घर पर वक्त गुजारा कीजिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा? राघव सोचते हुए अपने घर से गांव की तरफ चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि हे भगवान इतनी गर्मी है। गर्मी का महीना आने को अभी 15 दिन और है, उससे पहले ही इतनी गर्मी, पता नहीं आगे क्या हो।